हेलो एवरीवन, तो आज हम आ गए हैं कुलचा किंग के फेमस अमृतसरी कुलचा ट्राई करने, जो कि है सरोजनी नगर के रिंग रोड मार्केट में। तो चलिए इसको खाते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट। सो लेट्स गो। तो ये हमारी कुलचे की स्टफिंग यहाँ पे तैयार होगी। क्या क्या है स्टफिंग में? अदरक, धनिया, प्याज। अदरक, धनिया, प्याज, धनिया गोभी रहते हैं, प्याज। अच्छा, और अब इसको बेला जाएगा। धनिया लग गया है इस पे ऊपर। अब हमारे कुलचे पर थोड़ा सा पानी लगा के इसको तंदूर में चिपका दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी ये इतने सारे कुलचे बन के रेडी हो चुके हैं। तो हमारा ये दूसरा कुलचा बन के भी तैयार है, इसलिए पानी लगा के वापस से गया ये तंदूर में। वाह 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 वाह, आज तो मतलब मजा ही आ जाएगा। मेरे को भूख और ज्यादा बढ़ गई है। ये जो यहाँ पर अलग से रखा हुआ ये क्या? ये मसाला है। अच्छा, ये स्पाइसी होता है। ये स्पाइसी मसाला है, ये कुलचे पर रखा है। अच्छा, और इसके बाद ये जाता है तंदूर में। किस चीज का बना होता है ये? मिर्ची होता है, धनिया होता है, अदरक होता है, सब मिक्स होता है। तो ये मसाला और टेस्ट को बढ़ा देता है। तो ये कुलचा कितनी देर में रेडी हो जाता है? 5 मिनट में रेडी हो जाता है। और इसके साथ आप क्या क्या देते हैं इसके प्लेट में? छोले होते हैं, प्याज की चटनी होती है। छोले और प्याज की चटनी। तो ये हमारा कुलचा निकलना शुरू हो गया है, बाहर आ गया है एक कुलचा और ये दूसरा। इसके बाद क्या करेंगे? मक्खन लगना शुरू हो गया है। ओए ओए ओए, क्या बात है। तो ये है हमारे छोले, क्या खुशबू आ रही है। ये बताइए कितनी देर पहले आप बनाना शुरू करते हैं? 2 घंटे। चलिए भैया, अब हमारी प्लेट लगा दी। हमारी प्लेट लगनी यहाँ पे शुरू हो गई है। सबसे पहले आ गए ये छोले। अब ये चटनी। इस चटनी में क्या क्या होता है? इस चटनी के बारे में तो मैंने बहुत सुना है। इमली का रस्सा। अच्छा, प्याज दिख रहा है मुझे और ये इमली का। आम भी है। ये ऊपर से छोले पर डाल दिया है इन्होंने धनिया। और ये कुलचे में लग रहा है ये मक्खन। और ये हमारा मिक्सरी मिक्स कुलचा रेडी हो गया है। इसके ऊपर आ गया ये और ढेर सारा बटर। चलिए अब इसको हम खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या टेस्ट है। तो आ गए हैं ये हमारे मिक्स कुलचा यहाँ पर। तो देखिए ये बहुत ही जबरदस्त का, बहुत ही एपेटाइजिंग लग रहा है ये देखने में। तो छोले मिले हमें जिसके ऊपर से ये धनिया की गार्निशिंग है, और ये है चटनी जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लोग बताते हैं कि बहुत ही उनको पसंद है। और अलग से हमको ये मिला है बूंदी का रायता, जो कि आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको हम खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये है कैसा। तो लेती हूँ मैं ये छोला। और इसके साथ में ये चटनी। वाह, क्या टेस्ट है इसका। मतलब स्टफिंग बहुत ही गजब की बनाई है इन्होंने। छोले भी माइल्ड स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और ये चटनी तो शो स्टॉपर है। चटनी की वजह से पूरे डिश का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो गया है। भैया के हिसाब से बिल्कुल अमृतसर का ऑथेंटिक टेस्ट आपको मिलेगा ये खा करके। तो जब भी सरोजनी मार्केट आओ, ये कुलचा तो बिल्कुल भी मत मिस करना। बहुत ही ज़बरदस्त बनाया इन्होंने। और ये बूंदी का रायता भी जो इन्होंने अलग से दिया, उसको भी टेस्ट कर देते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग।
तो चलिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी जब भी सरोजनी मार्केट आना तो ये मिक्स कुल्चा ज़रूर ट्राई करना। अगर ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।